गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो दिसंबर का महीना चल रहा है और मैंने सोचा आज आपको बथुए के पराठे बनाना सिखाती हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए देखते हैं। तो बथुए के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, ये देखिए, और ये बथुआ जिसे मैंने जो है कट कर लिया है, धो लिया है और फिर पानी ड्रेन आउट करने के लिए आधे घंटे के लिए इसे रख दिया है। पानी, आटा गूंदने के लिए एक हरी मिर्च, चार कली लहसुन और आधा छोटा टुकड़ा जो है अदरक का लिया है, मैंने इसे पीस लिया है सिलबट्टे पे। और हींग डालना है, चुटकी भर हींग डालेंगे, देखिए। ये पराठे सेकने के लिए तेल, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सब हम आटे में मिक्स करेंगे। सबसे पहले एक राउंड सा सर्कल बना लेंगे बीच में और बथुआ इसमें डाल लेंगे। अब हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हींग, इतना सा लिया है मैंने। गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैं ज्यादा लेती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। लाल मिर्च पाउडर, ये मैं थोड़ा कम लूंगी, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। हल्दी, अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे आटे में। अब ये मिक्स हो चुका है जो इसमें मटेरियल मैंने डाला, और अब जो है एक चम्मच ऑयल डालूंगी और अब पानी से आटे को गूंद लेंगे। मीडियम गूंदना है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट गूंदेंगे ना ही ज्यादा हार्ड गूंदना है। तो देखिए आटा मेरा तैयार है, अब इसे 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रखूंगी और उसके बाद इसके पराठे बनाऊंगी। तो चलिए अब आटे को जो है रेस्ट दे दिया था हमने 20 मिनट का, चलिए अब पराठे तैयार करते हैं। देखिए इतनी मैंने ले ली, अब इसे हम बेलेंगे। सूखे आटे में डालूंगी, हाथ से इस तरह करती जाऊंगी। अब फिर से सूखे आटे में और हम इसे बेलेंगे। इतना बेल लिया, अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे ताकि पराठा जो है बीच से बहुत ही सॉफ्ट बने। अब फोल्ड कर देंगे इस तरह से, फिर से बताती हूँ, ऐसे कर दिया ये, इसको ऐसे किया और ऐसे कर दिया। अब इसको यहां से दबाएंगे,
अब फिर से हाथ से ऐसे से कर लेंगे, प्रेस करते जाएंगे जैसे इसके शेप है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ट्रायंगल शेप का बना रही हूँ। फिर से सूखे आटे में डालेंगे, अच्छे से इसको लपेट लेना है सूखे आटे में। अब इसे बेल लेना है। इसका ट्रायंगल शेप है तो शेप को देखते हुए हमें वहां वहां बेलन को लगाते जाना है। ये देखिए, पराठा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम गैस को जला लेते हैं। मेरा तवा जो है बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं उसी टाइम जलाती हूँ जब एक पराठा बेल लेती हूँ। तो चलिए अब साथ ही साथ दूसरा पराठा भी मैं बेल लेती हूँ। इसके लिए लोई लूंगी। लगभग उतनी ही बड़ी ली है जितनी जो है पहले ली थी। देखिए, फिर से आटे में से आटे में लपेटते जाएंगे और हाथ से प्रेस करते जाएंगे अंगूठे से और हथेली की मदद से। चलिए फिर से इसे बेल लेते हैं। अगेन फिर से इसमें ऑयल लगाएंगे, इस तरह से कर दीजिए। चलिए आप कौन सी शेप देंगे, चलिए चकोर पराठा बनाते हैं। अब फिर से प्रेस करते जाएंगे। अब इसे बेल लेंगे। तब तक मेरा तवा गर्म हो चुका है, मैं ये डाल दे रही हूँ तवे पे। जब तक इसकी निचली परत जो है पकती नहीं है, तब तक हम इसे यहीं पर रहने देंगे तवे पे, और फिर उसके बाद पलट देंगे दूसरी साइड। इसका कलर जो है अलग हो जाएगा जैसे ये पकेगा। तो देखो अभी कच्चा दिख रहा है, वैसे ये डार्क कलर हो जाएगा। तो चलिए इसे बेलते हैं साथ ही साथ। गैस को जो है मैं सिम कर दे रही हूँ, उनके साथ ही साथ बेल भी रही हूँ, पराठा कहीं जल ना जाए। तो ऑलमोस्ट जो है डन हो गया है, देखो बेल चुका है अच्छे से। चलिए इसे अब हम पलट देते हैं। देखिए इस तरह से पक जाएगा ये, मैं पलट दे रही हूँ। देखिए अब निचली सतह पकेगी तो हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। तो चलिए अब ऑयलिंग कर लेते हैं। पराठा जो है सेक गया है, दबा दबा के सेकते जाएंगे इसे।
देखिए कितना अच्छा इसमें सुनहरा कलर आ चुका है। नीचे की सतह जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसलिए मैंने रखा हुआ है। अब फिर टर्न करती हूँ, देखिए सिक गया है पराठा, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। पराठा जो है हटा लिया है मैंने तवे पर से, देखिए अब दूसरा डाल रही हूँ। तो चलिए इसे भी सेक लेती हैं, निचली तरफ जो है पक जाएगी तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे ताकि ये वाली परत जो है पक जाए। तो इसकी निचली सतह जो है पक चुकी है, अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। देखिए जब अच्छे से ऊपर की नीचे की सतह पक जाती है उसी के बाद हम ऑयलिंग करेंगे। तो चलिए अब इसकी ऑयलिंग कर ली जाए। ऑयलिंग जो है हो गई है, अब इसे एक बार फिर से टर्न करूंगी। देखिए कितना अच्छा पराठा सिका है और सुनहरे कलर के जो ये चित्ते आए हैं ये बहुत जरूरी है ना, जिससे जो है बाहर की तरफ जो क्रंची होता है अंदर सॉफ्ट मिलेगा आपको खाने में। तो चलिए इसे हटा लेते हैं आप, ये पक चुका है। अब हम तीसरा पराठा डालते हैं जो मैंने राउंड बनाया है। सेम वही प्रोसीजर, जब ये निचली सतह पक जाएगी तब हम ये टर्न कर देंगे और जब दोनों ऊपर नीचे की पकेंगी उसके बाद ही ऑयलिंग करनी है आपको। तो ये हमारा जो है पराठा राउंड जो बनाया मैंने ये भी जो है पक गया है। चलो इसे हटा लेते हैं। तवे के पराठे जो है बनके रेडी हो चुके हैं, आपको जितने चाहिए आप उतने बनाइए खाइए। और इसे आप देसी घी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खाइए हरे धनिए की चटनी, और या फिर आप बटर के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, जैसा भी आपका मन हो। तो आप बनाइए एक बार और फिर मुझे बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको कैसे लगे पराठे। तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ कल मिलती हूँ। थैंक यू।